नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। राहुल बोले, चीनी घुसपैठ पर अलर्ट कर रहे हैं लद्दाखी, उन्हें ना सुनना महंगा पड़ेगा। कानपुर में गैंगस्टर विकास दुबे पर 50,000 का इनाम, सर्च ऑपरेशन जारी, सर्विलांस पर 500 फोन। विकास दुबे की मां बोली कि बेटा अगर पकड़ा जाए तो मार दे उसे पुलिस। कोरोना के इलाज पर सरकार की नई गाइडलाइन, घटाई गई रेमडेसिविर की खुराक। नागालैंड में कुत्ते की मांस की बिक्री पर बैन। पीएम के बयान पर चीन का जवाब, कहा हमें विचारवादी कहना आधारहीन। पटना में कांवड़ यात्रा पर रोक, 4 अगस्त तक शिव मंदिर बंद रहेंगे। फिर शुरू होगी सरकार की भारत बॉन्ड स्कीम, 14 जुलाई से निवेश का मौका। कानपुर में पुलिस ने खंगाली विकास दुबे की कॉल डिटेल, मिले कुछ पुलिस कर्मियों के भी नंबर। जयपुर एयरपोर्ट पर तस्करी का भंडाफोड़, दुबई से लाया गया 32 किलो सोना जब्त। टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क में चीन के खिलाफ प्रदर्शन, चीनी उत्पादों के बहिष्कार की मांग। जापान में फुटबॉल जे लीग आज से शुरू, स्टेडियम में मौजूद नहीं रहेंगे दर्शक। पैरासेल आइसलैंड के पास चीन ने किया ड्रिल प्रदर्शन, वियतनाम ने जताया कड़ा ऐतराज। महाराष्ट्र में अहमदनगर के कांग्रेस विधायक कोरोना पॉजिटिव। आईसीसी ने कहा कि 2011 के वर्ल्ड कप फाइनल पर संदेह की कोई वजह नहीं। 2011 डब्ल्यूसी फाइनल में श्रीलंका पुलिस ने फिक्सिंग जांच बंद की, कोई सबूत नहीं मिला। चंडीगढ़ में लंका यूवीए के लीग मैच के तौर पर स्ट्रीमिंग की जांच में जुटा बीसीसीआई। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध 31 जुलाई तक बढ़ाया। एनएचएआई के सर्वर पर साइबर अटैक, हमलावरों ने इंटरनेट पर डाली जानकारी। आईआईटी बॉम्बे के पूर्व छात्रों ने संस्थान को दिए 2,35,000, खरीदे जाएंगे 500 लैपटॉप और ब्रॉडबैंड। कैब सेवा कंपनी उबर का मुंबई ऑफिस हुआ स्थायी रूप से बंद। राज्यों के ऊर्जा मंत्रियों के साथ बैठक में बोले केंद्रीय मंत्री, चीन से बिजली उपकरण आयात नहीं करेगा भारत। पद्म अवार्ड 2021 के लिए 15 सितंबर तक करें ऑनलाइन आवेदन। इसरो के मंगलयान में लगे कैमरे ने खींची मंगल की सबसे बड़ी चांद की तस्वीर। मेडिकल में ओबीसी के आरक्षण खत्म करने पर सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र।